और कंच सजा, और कंच सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। कुछ लोग मजहबी कट्टरता में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें ना तो खुद की कोई फिक्र है और ना ही दूसरों की जान की कोई परवाह। वो सिर्फ अपनी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप से दस्तक दे दी है, तो वही दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की जमात कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन करते हुए खुद के साथ ही दूसरों की जान को जोखिम में डाल रही है। दरअसल दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह बाजार में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई। इन सभी ने नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग की। इन लोगों ने हाथों में बैनर ले रखे थे और मजहबी नारेबाजी कर रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आई मुस्लिम भीड़ में एकाध को छोड़कर किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर रही। कुल मिलाकर कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। दरअसल इस आंदोलन का नेतृत्व गद्दी नशीन खादिम सरवर चिश्ती ने किया। चिश्ती ने कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सभी को पता है कि फासीवादी ताकतों के इशारों पर दासना देवी के मंदिर के महंत ने देश में सांप्रदायिक शांति भंग करने के लिए ये टिप्पणी की है। चिश्ती ने नरसिंहानंद सरस्वती की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर दरगाह के निजाम गेट पर इकट्ठी हुई इस्लामी भीड़ ने इस बात पर अफसोस जताया कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में दरगाह पुलिस थाने में FIR करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। भीड़ ने धमकी दी है कि अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा इस्लामी भीड़ ने इस्लाम के किसी भी अपमान के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। तो 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए थे और नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उस दौरान भी मौलानाओं ने दासना देवी मंदिर के महंत का सिर काटने की तकरीर की थी। अब सवाल यह कि आखिर गला काट कट्टरता दिखाकर देश की अशांति भंग करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब देश में हर अपराध के लिए नियम कानून है तो खुद ही कोर्ट और न्यायविद बनने की कोशिश क्यों की जा रही है? और आखिर कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर दूसरों को कोरोना के खतरे में डाला क्यों जा रहा है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।